हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी स्नेहा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भैया यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रेसिपी मिलने वाली है, तो आज की हमारी रेसिपी है मेरा फेवरेट कच्चा आलू, जो कि मटर के साथ बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो कच्चा आलू बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक मसाला बना के तैयार करना है। उसके लिए हमने लिए है यहाँ पे फ्रेश हरी धनिया खूब सारी, दो छोटी इलायची, दो हरा लहसुन बिल्कुल इस तरह से कटा हुआ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा इस तरह से कट किया हुआ, और 4 से 5 हरी मिर्ची, जैसा भी आपको तीखा पसंद हो। और इसका हमें पेस्ट बना लेना है बिल्कुल फाइन। और साथ ही में हमने लिए यहाँ पे उबले हुए आलू। आलू आपको जैसा कचालू खाना हो, ज़्यादा कम, उस हिसाब से आप ले लीजिए। तो थोड़ा मसाला भी अप डाउन कर लीजिएगा आलू के हिसाब से, अगर आलू बढ़ाते हैं तो मसाला भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक लोहे की कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। आप ऑयल कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बता दो, लिख के ले लो कि सरसों के तेल का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो अगर हो तो वही यूज़ करिएगा, बाकी आपकी चॉइस है। तो इसे हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। आप देखिए हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है। तो अब जो हमने धनिया मिर्ची लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया था ना, वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सावधानी पूर्वक डालिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा छटकता है, बस थोड़ी देर छटकेगा फिर नॉर्मल हो जाएगा। अब इसे बस फटाफट से हम मिक्स करके भून लेंगे। तब तक भूनना है जब तक कि लहसुन और अदरक का कच्चापन चला नहीं जाता और जो ऑयल है वो मसाले से ऊपर नहीं आ जाता। थोड़ी देर तक इसे हम भूनते रहेंगे। और एक बात बता दो ना कि जब आप ये मसाला भूनेंगे ना, तो थोड़ी देर में ही आपको इतनी बढ़िया खुशबू आएगी कि अब आपको मैं यहाँ से क्या बताऊँ। जब आप भूनेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब जो हमने जिसमें इसे पेस्ट को बना के तैयार किया था, वो ब्लेंडर को थोड़ा सा पानी डाल के पूरा उसका जो बचा हुआ मटेरियल है ना, वो हम निकाल देंगे इस तरह से, थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं जाए मसाला, उसे भी डाल देते हैं। और इसे हमें अच्छे से भून के तैयार कर लेना है। देखिए ये मसाले में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, बहुत जल्दी ये भून के तैयार हो जाता है। ये देखिए ये मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, लगभग 5 मिनट में ही अच्छे से, और सारा ऑयल ऊपर आ गया है। अब ये थोड़ा डार्क ग्रीन दिखने लग गया है। और ये जो मैं हाथ कर रही हूँ ना, इस तरह से आप कढ़ाई के ऊपर करिएगा ना, गज़ब की खुशबू आती है। और मेरा है तो मैं हमेशा इस तरह से हाथ करके सब्ज़ी या कुछ भी बनाती हूँ, उसकी खुशबू ज़रूर लेती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें और चाहें तो ना डालें, इससे थोड़ा सा कलर और खिल जाता है। आधा छोटी चम्मच हल्दी डाल दी है मैंने इसमें, और इसे मिक्स कर लेंगे। बस कुछ सेकंड्स तक और इसे हम भूनेंगे, और इसके बाद फिर थोड़ी खुशबू और ले लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी मटर। अब मैं बता दूं यहाँ पे आपको बिल्कुल मीठी वाली मटर यूज़ करनी है, वो बिना मीठी वाली मटर यूज़ करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। मीठी वाली मटर यूज़ करिए, और इसे हम डाल देंगे और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब इसे हमें मसाले के साथ में मटर को पका लेना है। मटर पकेगी कैसे, मसाला तो हमारा अच्छे से भुन चुका है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डालना है स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पे नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिए, जैसा भी आपको खाना हो, तेज या कम, वैसे कम खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नमक डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मटर के हिसाब से आपको नमक ज़्यादा लग रहा होगा कि मैंने ज़्यादा डाला, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है, अभी आलू पड़ने वाला है भाई इसमें, तो वो मिक्स हो जाएगा, थोड़ा अंदाजे से डालना होता है। अब इसे हम इस तरह से करके ढक्कन लगा के 5-7 मिनट तक पका लेंगे मीडियम हीट पे, ताकि जो मटर हमारी है वो अच्छे से गल जाए। अब ये जो लोहे की कढ़ाई होती है, इस पे प्रॉपर ढक्कन तो पॉसिबल नहीं है, तो आप कोई सा भी ढक्कन यूज़ कर लीजिए। और ये देखिए 5 से 7 मिनट के बाद हमने ये ढक्कन हटाया, मसाला हमारा अच्छे से अभी भी उसमें से ऑयल रिलीज़ हो रहा है, और जो मटर है आप देख सकते हैं उसका भी कलर चेंज हो गया, वो बिल्कुल सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट किया, ये लगभग 70% सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू जो हमने बॉयल किए थे उसे इस तरह से कट कर लिया है, एक आलू में 4 पीसेस ऐसे करके,
इसमें बहुत छोटे पीसेस नहीं जाते, थोड़े बड़े पीसेस ही अच्छे लगते हैं। अब इसे हम मटर के साथ मिक्स कर देंगे और देखें क्या गज़ब का लुक आ रहा है इसका। अभी से अभी थोड़ा सा ये रनी आपको मसाला दिख रहा है, लेकिन अब तो इसे भी हमें थोड़ी देर तक पकाना है ताकि जो आलू है ना उसमें मसाले का जो टेस्ट है वो पूरा प्रॉपर अच्छे से आ जाए। और मसाले की खुशबू उसका तो क्या ही कहना, बहुत ही लाजवाब लगता है ये। अब सारा कुछ मिक्स करने के बाद हमें इसे फिर से ढक देना है लगभग 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो हीट पे, ताकि जो अरोमा है ना वो बिल्कुल घुल मिल जाए सब चीज़ों में। 2 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और ये है हमारा फाइनल कच्चा आलू जो कि बन के बिल्कुल तैयार है। मटर के साथ में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तीखा चटपटा आलू उसके साथ मीठी मीठी मटर। अब मैं इसको और कैसे डिस्क्राइब करूं, तो ये कचालू हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो हम हीट को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये रही मेरी कचालू की प्लेट, आप देख सकते हैं कि आलू का शेप भी नहीं बिगड़ा है और जो मटर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। एक बात कहते हैं ना, खाना अगर दिखने में खूबसूरत हो तो खाने का मज़ा दुगना हो जाता है, तो बस वही वाली बात है। अब मेरे से तो रहा नहीं जा रहा है, आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरा गर्मा गर्म नाश्ता आप देख सकते हैं, इसमें से भाप थोड़ी थोड़ी निकल रही है, तो मेरे से तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं चल रही हूँ अपनी प्लेट को बिल्कुल साफ़ करने। अब आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करिए, आपको कैसा लगता है मुझे बताइएगा ज़रूर। कचालू वैसे बनारसियों की बड़ी फेवरेट चीज़ होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है foodiesneha24। थैंक यू सो मच।